Hello student, in this video we are going to find the area of quadrilateral, coordinate of whose vertices are given -4, -2, -3, -5, -2, and -2, -3. तो student, किस फॉर्मूले के थ्रू इसका एरिया निकालेंगे? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट अपने पास में है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। और मैंने दो तरीके से फॉर्मूले डिस्कस किए थे, और फिर मैं जो एरिया निकालता था वो एक पैटर्न में नंबरों को लिखता था फिर निकालता था। ओके, फॉर्मूला दो में से कोई भी लिखिए। आई सजेस्ट, मैं बार बार सजेस्ट करूँ, फॉर्मूला जो बुक में वाला लिखिएगा, बाकी तो हमें जो पैटर्न पे करना तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो कोऑर्डिनेटर का एरिया कैसे निकालेंगे? यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर के कोई भी दो डायगोनल में से एक डायगोनल बना लेंगे, एंड डायगोनल ऑफ कोऑर्डिनेटर डिवाइड ट्राइंगल इनटू टू, कोऑर्डिनेटर इनटू टू ट्राइंगल्स। तो दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे, दो ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे। इस चीज को फिगर से समझते हैं। हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है, नेम कर लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी, ओके। ए के कोऑर्डिनेट -4, -2, बी के कोऑर्डिनेट -3, -5, सी के कोऑर्डिनेट -3, -2, एंड डी के कोऑर्डिनेट 2, 3। सो जैसे कि मैंने बोला, कोऑर्डिनेटर का एरिया का तो फॉर्मूला आपने पढ़ नहीं रखा है हमारे जो कोर्स में, तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर का कोई एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके, और उसको दो ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अगर मैं बी और डी को चलो ज्वाइन कर देता हूं, बी और डी, तो डायगोनल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल हमारा बन गया ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल बन गया बी सी डी। तो अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज करके इस कोऑर्डिनेटर का एरिया निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर आ जाएगा। तो इस तरीके से यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ गिवन कोऑर्डिनेटर। सो स्टार्टिंग स्टेटमेंट, लेट ए इज इक्वल टू -4, -2, b is equal to -3, -5, c को के कोऑर्डिनेट आपने माने c is equal to 3, -2, and b is equal to 2, 3। now student, area of triangle abd construction थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, join B and D। तो आपके पास एक डायगोनल आ गया, उसने कोऑर्डिनेटर को दो ट्राइंगल में बांट दिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी फॉर्मूला x1 y2 y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। आप आई होप आपको ये रिलेशन याद हो गया होगा। ये नंबर्स कैसे याद रखने, मैंने जब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको डिस्कस किया था जिस वीडियो में, तो उसमें बहुत इजी वे में बताया था इसको कैसे मेमोराइज करने है दोनों फॉर्मूलों को। ओके, अब जैसा कि मैं बोल रहा हूं, हम फॉर्मूला तो लिखते हैं पर नंबर्स को फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते। हम लोग एक पैटर्न में लिखते हैं, ए के कोऑर्डिनेट से चालू करें, ए बी डी का एरिया निकाल रहे, तो ए बी ए के कोऑर्डिनेट लिखना चालू करते हैं -4, -2y, बी के कोऑर्डिनेट है -3, -5, और डी के कोऑर्डिनेट आ रहा है 2, 3। पहला वाला सेट रिपीट हो जाएगा -4 और -2। सो स्टूडेंट वही अपना पुराना फंडा, एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे उन प्रोडक्ट का सम, फिर एक बार नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उन प्रोडक्ट का सम। ओके, जब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे मींस दिस दिस एंड दिस, तो हाफ
4 इन माइनस 4 इंटू माइनस 5 20, माइनस 3 इंटू 3 माइनस का 9 माइनस का 4 ओके 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5 माइनस का 10 माइनस का 12 ओके स्टूडेंट थोड़ा सा ऐड बैक कर लेते हैं 13 माइनस 20 7 माइनस का 22 प्लस का 6 माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 1/2 7 प्लस 16 7 प्लस 16 इज 20 3/2 स्क्वायर यूनिट्स ओके देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 24 स्क्वायर यूनिट ओके तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल इसका एरिया निकाले हमारा है 23/2 ओके यहाँ नहीं लिखेंगे अब कौन सा ट्रायंगल अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी निकाले तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी अगेन फॉर्मूला एक बार लिख लिया चाहे तो दूसरी बार लिख ले नहीं तो पैटर्न पे डायरेक्ट आ जाए लिख लेते एक बार फॉर्मूला ऑफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू ओके वही चीज है नंबर्स को पैटर्न में लिखेंगे बी माइनस थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस टू टू थ्री माइनस थ्री माइनस फाइव पहला वाला ऑर्डर पेयर रिपीट कर लेंगे वही चीज है एक बार ऊपर से नीचे एक बार मियाला प्रोडक्ट लेंगे और एक बार वाला प्रोडक्ट लेंगे रिवर्स ये चीज आप ध्यान रखिएगा ओके सीक्वेंस नहीं बिगाड़िएगा थ्री इंटू माइनस टू माइनस थ्री इंटू माइनस टू सिक्स थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस का टेन माइनस का फिफ्टीन दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस माइनस का फोर माइनस का नाइन ओके हाफ फिफ्टीन माइनस टेन फाइव माइनस का 23 नहीं 28 ओके 15 माइनस 19 माइनस 28 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 28 प्लस 5 दैट इज 33/2 स्क्वायर यूनिट्स तो स्टूडेंट इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालिए अब दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मिल जाएगा दस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज वॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आपने निकाला 23/2 33/2 दैट इज 56/2 दैट इज 28 स्क्वायर यूनिट तो इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूजिंग रिलेशन ऑफ ट्राइंगल सिंपल है मैंने ट्राइंगल बी डी लिया आप ट्राइंगल ए सी लेते हैं तब भी आपका आंसर यही आएगा आप चाहे तो ए और सी को ज्वाइन करें तो ये ट्राइंगल ए सी डी बन जाएगा और एक ए बी सी बन जाएगा तब भी आप देखेंगे एरिया यही आएगा बस एक चीज याद रखिएगा जब एरिया का रिलेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो इसलिए अगर माइनस का भी आ जाता है तब भी हम उसको और करके प्लस में लिख देंगे बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव नेगेटिव आ सकता है क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस के हो सकते हैं तो कुछ टीचर्स यहाँ पे मॉड लगवा देते हैं ताकि स्टूडेंट याद रहे मॉड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो इनपुट
अगर माइनस क्या आ रहा है, इसके अंदर कोई माइनस का आएगा तो वो उसको प्लस में कर देता है, पर क्योंकि ये चीज हमने पढ़ नहीं रखी तो हमारा तो सिंपल सा काम है, अगर ये कैलकुलेशन में माइनस आ गया तो और करके प्लस उसी चीज को प्लस में लिख देंगे और रीजन दे देंगे बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव। आई होप यू गॉट इट। तो इस तरीके से यूजिंग ट्राइंगल फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। थैंक यू स्टूडेंट।